और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के महोबा जनपद में दबंग के द्वारा व्यक्ति को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, जिससे तंग आकर पीड़ित ने एसपी महोबा सुधा सिंह से दबंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि शहर के कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड स्थित सरकारी कॉलोनी का यह मामला है, जहाँ मोहम्मद अजीज को उसी कॉलोनी में रहने वाले रमेश अहिरवार के द्वारा जान से मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। इसी के साथ पहले भी रमेश अजीज के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे चुका है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं अजीज ने एसपी ऑफिस पहुंचकर दबंग रमेश के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी महोबा की चौखट पर पहुंचे मोहम्मद अजीज की माने तो रमेश अहिरवार काफी दबंग किस्म का व्यक्ति है। अभी हाल में ही रमेश और उसके परिवार के सदस्यों ने अजीज पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं अब रमेश उसे खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है। अजीज की माने तो अगर रमेश को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो उस पर जान माल का खतरा बना रहेगा। विराट 24 न्यूज के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नाम है चाचा आपका? आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि पहले भी हमला हो चुका, 6-7 बल्कि 10-15 महीना होगा शायद, या 10 महीने करीब हुए होंगे, तब भी इन लोगों ने हम पे वार किया था। और वही बच्चा जो आज हमें छेड़ रहा, परसों भी छेड़ा उसने, मतलब एक घटना फिर घटी, दो घटनाएं पुलिस के अनुसार हुई। एक में हम दोषी पाए गए, मतलब हम उसको पागल करार दुनिया का बता दिया तो वो मानने हो गया, वो तो गुजर चुका। दोबारा जो अटैक हुआ ये जानबूझ के किया गया। क्या नाम है उसका और कहाँ का रहने वाला है? रमेश नाम है, सामने ही रहता है अहिरवार, और उसका सबसे मेन है बाप, बाप ही सब कुछ उसका है। क्या नाम है पिताजी का? उनके पिताजी का क्या नाम है? माता जी। आखिर ऐसा क्या है जो आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है? तो इसलिए कि हम छोड़ के चले जाएं, वो तो असल में क्या, हमारी माता जी का भी देहांत हुआ है रमजान शरीफ में, यहीं से हुआ कॉलोनी से, उनके अनुसार ही हम शिकस्त खाते जा रहे हैं। इसका प्रार्थना पत्र आपने पहले कहीं दिया? नहीं, एक दिया भी तो उसका कहाँ एक्शन हुआ सही? आज आप कहाँ हैं? उनका हौसला बढ़ा वो इसकी एक वजह ही तो है। आज आप कहाँ आए हैं? थाना अध्यक्ष, सॉरी पुलिस अध्यक्ष। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? उचित जो सही है वो करें ना, मेरे ऊपर वार हुआ, वो वीडियो भी पहुंच चुके हैं, सब कुछ हो चुका, उसके बाद भी रियलिटी नहीं मान रहे क्या है।